जय हिंद साथियों। साथियों देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की जो वैकेंसियों के फॉर्म भराए गए हैं, अगर हम बात करें उसका एग्ज़ाम कब तक होगा या बात करें कि सेफ स्कोर क्या रहेगा इस बार, तो सेफ स्कोर के बारे में साथियों इस बार आप लोगों को भी पता है कि बहुत सारी चीज़ें चेंज की गई हैं पिछले बार के अकॉर्डिंग, जिसमें सबसे बड़ी चेंज ये हुई है कि इस बार जोन वाइज वैकेंसी नहीं आई है, ग्रुप वाइज वैकेंसी नहीं आई है। जैसे पहले ए बी सी डी ई एफ में ग्रुप वाइज वैकेंसियाँ थी साथियों। जब मैंने एग्ज़ाम निकाला था कांस्टेबल का, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर उस समय जोन वाइज वैकेंसी थी, ई जोन से एग्ज़ाम मैंने निकाला था साथियों। अभी इस बार क्या कुछ है, कहाँ तक हम लोग अपना दिमाग लगाएं तो कहाँ तक नंबर लाएंगे तो हम लोगों का सेफ रहेगा कि हाँ हम लोग एग्ज़ाम निकाल पाएंगे, सीबीटी एग्ज़ाम निकाल पाएंगे साथियों, ऐसी सारी जानकारियाँ यहाँ पे आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो कोई भी जानकारी दूंगा उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई भर्ती से रिलेटेड पर्पल के अपडेट और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए टारगेट फिजिकल अकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल की बात किया जाए सबसे पहले, तो आरपीएफ कांस्टेबल में वैकेंसियां हैं ठीक है, लेकिन पिछली बार के अकॉर्डिंग इस बार वैकेंसी कम है। और पिछली बार की आप कट ऑफ देखेंगे तो उसमें अलग अलग जोन था, जिसमें एनएफआर यानी नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे की कट ऑफ सबसे कम गई थी, और उसके अलावा आरपीएसएफ की कट ऑफ सबसे अलग ही होती है, उसका तो अलग ही होता है। इस बार यार ये जो जोन वाइज नहीं है, ये कहना मुश्किल है कि कितनी कट ऑफ जाएगी। अब इसमें क्या होगा, जैसे एनएफआर से जो लोग भरते थे, यानी कि जो पूर्वोत्तर के राज्यों से भरते थे आरपीएफ कांस्टेबल या एएसआई किसी में भी, उनका क्या होता था कि उनकी कट ऑफ कम जाती थी, तो वो उधर ही क्षेत्रीय लोग ज़्यादातर उसमें एग्ज़ाम देते थे उधर। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो कंपटीशन होता है क्षेत्र वाइज भी बहुत सारा होता है। अभी आप प्रयागराज वगैरह जोन से देखेंगे किसी भी पोस्ट का तो कट ऑफ बहुत हाई जाता है, तो वो भी कैंडिडेट इसी में शामिल हैं। और साथ ही साथ जो ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट सब शामिल होंगे, हाई कट ऑफ वाले, लोअर कट ऑफ वाले, सब एक में ही मिक्स रहेंगे। तो इस बार जो कट ऑफ है वो एवरेज जाएगा, जो बता रहे हैं बहुत ज़्यादा जाएगा या फिर जो बता रहे हैं कम जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक एवरेज कट ऑफ आप लोग मान के चलिएगा कि जाएगा, क्योंकि सारे कैंडिडेट मिक्स हो जाएंगे। अब उसमें एवरेज में आप फिर भी आप मान के चलिए, अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप समथिंग मान के चलिएगा कि 105 से 110 प्रश्न बनाने की कोशिश करिएगा, अगर जनरल है तो, माइनस ना होने पाए। अब इस मेरी कट ऑफ लगेगी बहुत ज़्यादा है उनको, जहाँ की कट ऑफ कम जाती थी, लेकिन साथियों मिक्स हैं कैंडिडेट, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट सब एक साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो कट ऑफ इतनी तो जानी चाहिए। और एसआई वाले मान के चलिएगा 110 से कम आप किसी भी कीमत पे अपना सेफ स्कोर मत मानिएगा। कट ऑफ इससे कम जा सकती है मैं मानता हूँ, लेकिन मैं सेफ स्कोर की बात कर रहा हूँ कि इतना ले आएंगे तो आपका सेफ हो जाएगा कि आप फिजिकल की तैयारी करिए, ठीक है। अभी बहुत मौका है यार, अगर आप अभी भी तैयारी करेंगे, चाहे कांस्टेबल वाले हों चाहे एसआई वाले हों, तो अच्छा खासा कर सकते हैं। आप लोग परेशान ना हो, एक बार कमेंट में बता दीजिएगा कि आप किस स्टेट से हैं और फॉर्म भरे हुए हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, मैं लगातार ऐसी जानकारी आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। आशा करता हूँ दी गई जानकारी पसंद आएगी, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय।